अब बिहार में दाखिल खारिज प्रक्रिया में ऑड इवन नियम लागू होने जा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग इसके लिए नई व्यवस्था भी लागू करेगी। विषम संख्या वाले हलका में मामले अंचलाधिकारी और सम यानी कि इवन संख्या वाले हलका में आवेदनों का निपटारा राजस्व पदाधिकारी करेंगे। इसे प्रभावी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया जा रहा है। NIC ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कई नए फीचर जोड़े गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग से पत्र मिलते ही मई के अंतिम सप्ताह तक सॉफ्टवेयर को विभाग को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि यह व्यवस्था उन अंचलों में लागू होगी जहां पर अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी दोनों की नियुक्ति है। इसके अलावा जिन अंचलों में राजस्व पदाधिकारी नहीं होंगे वहां CO अथवा प्रभारी CO पूर्व की ही तरह व्यवस्था में बने रहेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज सहित अन्य मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए राजस्व पदाधिकारियों को दी गई शक्तियों को प्रभावी कर दिया है। बता दें कि दाखिल खारिज समेत राजस्व संबंधित मामलों के लंबित होने की संख्या बहुत बढ़ जाने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई थी। इसके बाद इसके समाधान के लिए राजस्व पदाधिकारी का पद सृजित कर उनकी नियुक्ति की गई। 1 अप्रैल से राजस्व पदाधिकारियों को म्यूटेशन का अधिकार देने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से काम के बंटवारे का प्रभावी आदेश अब जारी हुआ है। सॉफ्टवेयर के एक्टिव होने पर व्यवस्था प्रभावी अपर सचिव सह निदेशक भूमि अर्जन का कहना है कि वर्तमान में ऑनलाइन दाखिल खारिज CO और राजस्व अधिकारी द्वारा किए जाने का सॉफ्टवेयर निर्माण हो रहा है। इसके काम करने के बाद CO राजस्व पदाधिकारी दोनों द्वारा दाखिल खारिज किया जाएगा। तब तक CO ही दाखिल खारिज याचिका का निष्पादन करते रहेंगे। दाखिल खारिज के लिए सभी आवेदक याचिकाएं पूर्व की तरह CO के यहां ही दायर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर वाले हलका के लिए भूमि दाखिल खारिज के लिए सक्षम प्राधिकार CO होंगे। आम और खास सूचना सुनवाई दाखिल खारिज आदेश शुद्धि पत्र आदि सभी कार्रवाई CO ही करेंगे। वहीं सम संख्या यानी कि इवन नंबर वाले हलकों में संबंधित सक्षम पदाधिकारी प्राधिकार राजस्व अधिकारी होंगे। राजस्व पदाधिकारी के स्तर से ही इन मामलों का निष्पादन होगा। अब यह भी बता दें कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हलका सबसे छोटी प्रशासनिक क्षेत्र है। ये एक या फिर एक से अधिक गांवों को मिलाकर हलका बनता है। जिस गांव के नाम पर हलका बना वहां हलका कार्यालय खुला और उसका प्रभारी राजस्व कर्मचारी को बनाया गया। सरकार ने एक दशक पहले हलका का डिवीजन कर एक पंचायत एक हलका के गठन की घोषणा के आधार पर कुछ जिलों में यह व्यवस्था प्रभावी की है। नए परिसीमन से पंचायतों की संख्या बढ़ती गई पर हलका का डिवीजन नहीं हो सका। अभी 8,387 पंचायतें हैं पर हलका करीब 5,000 है और अंचलवार नंबरों में बटे हुए हैं। अब देखना यह है कि दाखिल खारिज के लिए सरकार जो तैयारी कर रही है वो तैयारी कितनी कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि लोगों की समस्याएं दाखिल खारिज को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा है। मामले लंबित हैं और इन मामलों का निष्पादन नहीं होने की वजह से CM नीतीश कुमार ने अपनी चिंता पिछले दिनों जाहिर भी कर दी थी। अब जबकि इस पर काम शुरू हुआ है तो देखना होगा कि कब तक पूरा कर लिया जाता है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।